नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद और मौजपुर में लगातार जमकर हिंसक उपद्रव हुआ। उपद्रवियों ने सोमवार को कई घरों, दुकानों और वाहनों को आग लगा दी। पुलिस पर पथराव और गोलियां चलाई गई, तो वहीं दिल्ली की हिंसा को देखते हुए आईजी प्रवीण कुमार गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में बॉर्डर पर पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दिल्ली में हुए बवाल के बाद गाजियाबाद के बॉर्डर के एरिया को पुलिस ने पूरी तरह से सील किया हुआ है, साथ ही लोनी जैसे इलाकों पर पुलिस की पैनी निगाह है। बेकाबू है जिस हिसाब से, उस हिसाब से लेकिन गाजियाबाद में नुकसान किए। देखिए, हम लोगों ने जो बॉर्डर्स हैं उनको पूरी तरीके से वहाँ पर सतर्कता रखते हुए पूरी व्यापक दृष्टि रखी हुई है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स रखे गए हैं और लगातार हर घटना पर दृष्टि रखते हुए अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा की चौकस व्यवस्था की गई है और लगातार हम लोग पहुँच गए। सर, कितने सर फोर्स लगाया गया है सुरक्षा? देखिए, पर्याप्त फोर्स लगाया गया है जो कि स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से है। डिफरेंट स्ट्रेटजिक लोकेशंस पर भी, मिश्रित जनसंख्या जहाँ जहाँ पर वहाँ पर भी, और हम लोग लगातार पेट्रोलिंग में पर हैं। और जो भी हमारे समझदार लोग हैं, जो हमारे सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, उन सबको हम लोग सहयोग दे रहे हैं। सर, लोगों की स्थिति कितने दिनों में काबू में आ सकती है? नहीं, काबू में है और हम लोग लगातार सतर्क हैं। थैंक यू। बता दें कि लोनी दिल्ली से सबसे करीब इलाका है जहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। उसी के मद्देनजर गाजियाबाद पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है और किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूर्ण तरीके से तैयार है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोनी के लोगों से बात की जा रही है, साथ ही शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। वहीं गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने लोनी के इलाकों में सेक्टर स्कीम लागू कर दी है, जहां पर पुलिस के जवानों के अलावा अधिकारी भी मौजूद रहेंगे ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। देखिए, दिल्ली की संवेदनशीलता को देखते हुए जनपद गाजियाबाद में पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। हम लोगों ने कल से ही सेक्टर स्कीम लागू कर रखी है पूरे जनपद को 56 सेक्टर में और 18 जोन्स में और 8 सुपर जोन में डिवाइड करके मजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं, पुलिस का प्रबंध किया गया है। हम और SSP स्वयं जो संवेदनशील स्थान है वहाँ का भ्रमण कर रहे हैं। गाजियाबाद में पूरी तरह से अमन, चैन और शांति कायम है और हमारे यहाँ पूरी तैयारी है, पूरी हम लोग पूरी तरह से शांति बनाए हुए हैं। सर, स्थिति क्या चल रही है? पूरी शहर से हमारे जनपद में शांति है। बता दें कि दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध में मौजपुर और भजनपुरा में कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। जाफराबाद में एक शख्स ने बीच रोड पर तमंचे से कई राउंड गोलियां दागी। उपद्रवियों ने यहां एक पेट्रोल पंप को जला दिया। आग बुझाने पहुंची दमकल की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों से भी मारपीट की गई। उपद्रवियों ने गोकुलपुरी की टायर मार्केट को भी फूंक दिया। इस हिंसा में एक पुलिसकर्मी सहित 7 लोगों की मौत हो गई। अब तक 60 लोगों के घायल होने की जानकारी है। CAA समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई झड़प को देखते हुए राजधानी के 10 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।